गाइस वेलकम टू लोन पावर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन अप्लाई कर सकते हो, और वो भी ऑफलाइन मोड में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करके कंप्लीट करके जो है आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन आवेदन कर सकते हो। अब होम लोन के बारे में खैर बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको बतानी है, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा, और वही मैं आपको जो है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके बताऊंगा कि आप लोग अगर होम लोन लेना चाहते हो या होम लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या कुछ करना होगा ताकि आपके लिए होम लोन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करने की जरूरत है, और मैं बता दूं इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा होम लोन आप लोग आवेदन करने वाले हो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करें, बिना स्किप किए हुए देखें। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम बताने वाले हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा होम लोन लेने पे कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, क्या लोन जब आप लोगे तो उसका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ में आपको जो है देने पड़ते हैं, उसके साथ में लोन चुकाने का समय कितना है, एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप करेंगे तो उसके साथ में अटैच डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, सेल्फ अटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे जो आपको जाननी चाहिए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी अच्छी बुरी राय है, जो भी है, कॉमेंट्स में लिख के बताएं, और साथ में ये बताएं कि आप लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा में इससे पहले कोई खाता है या नहीं है। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करता हूं। तो ये वीडियो है, जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर सिंपली टैप करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा लोन पावर डॉट इन की साइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच जाने के बाद पूरी तरीके से जब वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के साथ ही आपको मिलती है कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है होम लोन देखने को नहीं मिल रहा होगा, बैंक लोन पे एक बार आप चेकआउट कर लो। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो आपको सीधा बैंक लोन पे ही क्लिक कर देना है, क्योंकि बैंक लोन के अंदर सभी लोन्स आ जाता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, और बहुत सारे टाइप्स के जितने भी लोन हो वो सब मिल जाएंगे। अब देख सकते हो कि अभी बैंक लोन के अंदर ही बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो आपके सामने ही है। अब ऐसे केस में आप तो है दो काम कर सकते हो, या तो आप स्क्रॉल के नेक्स्ट करके करते जो है यहाँ तक जा सकते हो, तो आपको बीच में कहीं ना कहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन वाला कंटेंट देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं करना है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, मेन्यू बार पे क्लिक करके यहाँ पे अब आपको सर्च का इस्तेमाल करना है। हालांकि देखो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन कैटेगरी को जब अनेबल कर लोगे तो इससे आपके रिजल्ट जो है और बेटर देन फास्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको डालना है बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा होम लोन लेना है, तो बड़ौदा होम डाल के सिंपली सर्च करोगे, देन आपके सामने कंटेंट मिल जाएगा, बड़ौदा होम लोन यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा होम लोन कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल है, टैप करना है, आर्टिकल ओपन हो जाएगा, डिटेल में सारे की सारी चीज़ें आपके सामने ही है, सारी चीज़ एक्सपेंड हो जाएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर कट हो जाएगी। अब जो बात मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कही थी, अमाउंट कितना मिलेगा, रीपेमेंट कब तक करेंगे, टेन्योर कितना होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर है, जो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी हद तक इजी रहेगा चीज़ों को समझने में। तो आप इस आर्टिकल को अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें, और इसको आप जो है हिंदी सहित तो और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हो, ताकि आप में से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना आने पाए। तो क्या करना है, अब यहाँ पर आपको विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, इस विजिट के लिंक पर क्लिक करना है, जो सीधा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन ऑफिशियल वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब जब वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा तो यहाँ पर आपके सामने दो तरीके, मैं पहले बताया था कि यहाँ पर जो भी होम लोन का है, मोस्टली होम लोन जो है वो आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी कोई खाता है तो उस खाते के बिहाफ पे आप लोगों को ऑनलाइन लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम जिस लोन की बात कर रहे हैं वो है बड़ौदा होम लोन, हालांकि बहुत सारी कैटेगरी है तो एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके हम ये जानते हैं कि यहाँ पे हमें जो है लोन के बारे में क्या क्या डिटेल में और ब्रीफली जानकारी मिलती है। तो देखो सबसे पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कह सकते हो, ROI जो है वो 8.40% तक का देखने को मिलेगा। फीचर्स में जो लोन है वो आपको 90% तक का देखने को मिलेगा, इजी टेक ओवर, नॉर्म्स है, सेव इंटरेस्ट बाय अवेलिंग, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके सामने हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें बेनिफिट्स के सेक्शन में जाते हैं तो देखो ये सही सही चीज़ें लिखी हुई है कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग चार्ज भी कम है, हायर अमाउंट मिलेगा लोन, फ्री क्रेडिट कार्ड है, लंबा टेन्योर है, और बस डेट्स इट, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे फीचर्स में तो पढ़ सकते हो कि बहुत सी चीज़ें और ऐड की गई है, कि जो लोन चुकाने का समय है वो 30 साल तक का है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेनल्टी नहीं है, कोई मतलब कि बहुत कम प्रोसेसिंग फीस है, और ऐसे ही करके जो है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। अब अगर इसको आप और स्क्रॉल करते करते एलिजिबिलिटी के सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पे देखो जो NRI है उनके लिए भी, और जो इंडियन रेजिडेंशियल है उनके लिए भी है। जो भारतीय निवासी हैं वो तो बस अपना प्रमाण कैसे भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से, लेकिन जो नॉन रेजिडेंस है उनके लिए ये है कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है सिंपल मैंने समझा दी है। अब एज की बात करते हैं तो एज में देखो 21 साल एप्लीकेंट की एज होनी चाहिए मिनिमम की, शायद बात हो रही है, इसी में कोई एप्लीकेंट की 18 साल भी चलेगी, बाकी मैक्सिमम एज 17 साल होनी चाहिए, और लोन चुकाने का समय 30 साल तक का है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट को लेकर एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए ताकि ये लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। जैसे अगर होम लोन आप अप्लाई करते हो मुंबई जैसी जगह हो पे, तो मुंबई में आपका जो है आपको 20 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, वहीं हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु जैसी जगह पे 7.5 करोड़ तक का लोन मिलेगा,
मेट्रो सिटीज़ के लिए 5 करोड़ तक का लोन है या फिर अदर मेट्रोज़ के लिए, और अर्बन एरियाज़ में 3 करोड़, सेमी अर्बन एंड रूरल में 1 करोड़, और चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली ऐसे इलाकों के लिए 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करवाता है। ये देखो लोकेशंस के हिसाब से डिपेंड करता है और वहाँ के पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड भी कर सकता है कि यहाँ पे आपको कितने रुपये तक का लोन दिया सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको उतना ही मिल जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट्स दोगे उसके भी यहाँ पर जब चेकिंग चलेगी तभी जाके आपको इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपको कितना रुपये तक का लोन देना चाहिए। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट रेट के लिए जो है मैं बता देता हूँ, फोर सैलरीड के लिए यहाँ पे जो है 10.60% तक का जो है, नहीं सॉरी, हाँ 8.42, 10.60% तक आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसी तरीके से आपका नॉन सैलरीड के लिए भी सेम ही केसेस, ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो किन किन चीज़ों पे लगने वाला है। अब सबसे मेन बात, कोई भी लोन अप्लाई करते हैं उसके लिए चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स का जो मेन सेगमेंट है वो हर एक कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सैलरी वाले बंदों के लिए अलग हो सकता है, साथ ही में यहाँ पे सेल्फ प्रोफेशन वाले बंदों के लिए अलग हो सकता है, या फार्मर एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग हो सकता है। तो आप इतना समझ जाओ, अगर कोई बंदा सैलरी बेसिस पे काम करता है कहीं भी तो 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, 1 महीने की सैलरी स्लिप गारंटर होना चाहिए, फॉर्म 16 या फिर ITR जो है वो होना चाहिए, इस कॉपी ऑफ एम्प्लॉय कार्ड उसके पास होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है, और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन या प्रमोशन ऐसे कोई भी चीज़ें जो आपको आपके कंपनी तरफ से मिलती है, इससे प्रूवन हो सके कि आप उनकी कंपनी में ही काम करते हो। ठीक है, साथ ही में इसके अलावा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर सैलरी अकाउंट है तो आप दे सकते हो, और अगर सैलरी इंडिविजुअल अकाउंट है तो दे सकते हो, और अगर आपका मतलब नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे साफ साफ बात रखिए कि आपको जहाँ भी पहले अकाउंट है तो आपको वैसे तो देना ही पड़ेगा, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो आपको नॉर्मल पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब तो मैंडेटरी है, ये तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, और बाकी जहाँ तक बात आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो जो जहाँ पर भी आप जो है अपना घर वगैरह लेना चाहते हो या फिर सपोज करो फ्लैट्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीज फॉर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेट पार्टी स्टेट जो है ये अलग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो दो चीज़ों के लिए होता है, रेडी फ्लैट्स हाउस या फ्लैट कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यहाँ देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपको चाहिए, आपको अप्रूव्ड प्लान कॉपी की, ठीक है, इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर के नैनी सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली यही है, और बाकी अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आते हो या फार्मर में आते हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग है। अब हम सिंपली बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन में जाना होगा, जाने के साथ ही आपको जो है पर्सनल पे क्लिक करना है, और इसके बाद जो है आपको लोन्स के सेक्शन पर जाना होगा, और तीसरे 3, 4, 5वें जो है ऑप्शन पे आपको डाउनलोड को मिलेगा होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो ये आपको कर लेना है, और यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म समझो, क्योंकि इसको आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज से ही डाउनलोड किया है, तो मे बी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। और अगर आपको थोड़ा सा और अश्योरिटी चाहिए या ऐसा मन में ख्याल आता है कि लेटेस्ट फॉर्म ही चाहिए, तो आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट कर सकते हो जहाँ पर भी आपका अकाउंट है। ठीक है, बाकी हिंदी में एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा तो आपको भरने में दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर साफ साफ चीज़ें कि गृह ऋण हेतु आवेदन पत्र है, यानी कि होम लोन लेने के लिए पत्र है, सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट फोटो अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना क्या करना है, नाम वगैरह भरना है, जन्म तारीख, आयु, मैरिटल स्टेटस भरना है, ठीक है, रोजगार की स्थिति भरनी है, पिछला पता, फिर पिन कोड, पति का नाम, पिता का नाम, वो सब चीज़ भर के आपको आगे बढ़ना होगा, एज और आयु, ये सारी चीज़ों को 25 तक बढ़ना, मतलब बेसिकली बहुत कॉमन है, और इसको मैं बताऊंगा तो फिर वही चीज़ है, आपका टाइम जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट्स के भी आप पर कोई चेकलिस्ट के लिए हो तो अच्छी चीज़ होगी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। तो यही था इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने आना कैसे होम लोन आवेदन किया जा सकता है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए बताएं, और अगर बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप लोगों को 10 लाख रुपये तक के लिए ई मुद्रा लोन को आवेदन करने का प्रोसेस जानना है वो भी ऑनलाइन, तो आई बटन पर वीडियो मिलेगी, अगर तुरंत वॉच करें। बाय।